हम स्नोबॉल नाम की एक डॉल्फिन को देखते हैं जो एक बेबी सी क्रिएचर के साथ खेल रहा होता है। तभी उसे चमकती हुई एक चीज नजर आती है। करीब जाने पर वो देखता है कि असल में वो मोंटू नाम का ऑक्टोपस होता है जो उसे परेशान करने लगता है। पर उतने में उसकी आवाज से उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। उसके बाद मोंटू पतली गली निकल लेता है। पर मोंटू बहुत हरामी होता है। एक सिप से अटैच लोहे की पाइप को उनके ऊपर गिरा देता है। बेबी डॉल्फिन किसी तरह बचने में कामयाब हो जाती है, पर मदर डॉल्फिन पाइप में फंस जाती है। मदर डॉल्फिन स्नोबॉल को बोलती है, बेटा तू भाग जा यहाँ से। तभी मोंटू उसे घेर लेता है। उतने में अचानक वहाँ एक प्लेन आकर क्रैश कर जाती है और वो ऑक्टोपस उसी के नीचे आ जाता है। स्नोबॉल उस प्लेन क्रैश को देखने जाता है। उसे वहाँ एक छोटा इंसानी बच्चा मिलता है। उसे देखकर मदर डॉल्फिन समझ जाती है कि उस बेबी को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए वो बेबी को लेकर पानी के ऊपर आती है। मदर डॉल्फिन उस बेबी के साथ अपनी कॉलोनी पहुंचते हैं। सभी उस बच्चे को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बच्चों को सांस लेने के लिए पानी से बाहर ले जाना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लाइक कर दीजिए, हम समझ जाएंगे।